हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पालक की रेसिपी बनाएंगे दोस्तों, शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये पालक मैं अपने गार्डन से तोड़ने आई हूँ, ये देखिए फ्रेश फ्रेश पालक, इसको कट करेंगे। चलिए कट करते हैं, सारे पालक कट कर लेंगे ताकि हम अपनी रेसिपी में यूज कर सकें दोस्तों। फ्रेश फ्रेश पालक की बात ही और होती है। देखिए दोस्तों, हमने पालक कट कर ली है, अब चलते हैं पालक की रेसिपी की तरफ। आपको दिखाते हैं हम क्या बनाने जा रहे हैं दोस्तों। इसको करेंगे पानी में अच्छे से वॉश दोस्तों। वैसे बारिश का महीना है, बारिश में ही सारी पालक अच्छे से धुल चुकी है, लेकिन हम अपने अच्छे से पानी में, साफ पानी में इसको 2 से 3 पानी बाद पानी में अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। एक एक पत्ते को साफ करेंगे ताकि कोई मिट्टी का हर इसमें बाकी। भाई दोस्तों, तो करते हैं गैस ऑन और इसको रखते हैं। पालक हमने वॉश कर ली है, वॉश करके इसको एक धोने में निकाल लिया है अच्छे से। अच्छे से वॉश करना है इसको, थोड़ा सा लगा दिया पानी 1 कप के अनुसार। ज्यादा पानी नहीं लगाना है, पालक भी पानी छोड़ती है। इसको ढक देंगे और इसको हल्का सा ब्लांच कर लेंगे। अब ज्यादा बॉयल नहीं करना है, हल्का सा बस कलर चेंज हो। ये देखिए दोस्तों, पालक हमारी अच्छे से ब्लांच हो गई है और कलर भी चेंज हो गया है। बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस हो चुकी है। बॉयल होने के बाद इसको कर देंगे बंद और हम करेंगे इसको ठंडा। तब तक हम कर लेते हैं अपनी ग्रेवी की तैयारी। ये देखिए होममेड पनीर मैंने आप लोगों को रेसिपी डाल रखी है, घर पे पनीर कैसे निकालते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने इसको ओवरनाइट के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए दबा दिया था, उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया इसको उठा के। कितना अच्छे से हमारा पनीर बन गया है। तो आज हम बनाएंगे दोस्तों पालक पनीर। कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। ग्रेवी के लिए ले लेंगे हम 3 से 4 लहसुन की पुतियां हैं, कलियां मतलब, और 4 हरी मिर्च है। आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं सूखी वाली। 2 टमाटर है, 1 प्याज है और छोटा सा 1 अदरक का टुकड़ा है। ये देखिए दोस्तों, करीब 1/2 केजी तक पालक थी। तो ये बॉयल होने के बाद किस तरह से थोड़ी सी रह गई है और करीब 300 ग्राम तक हमारा पनीर है। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। जो बाली थी, बॉयल की थी पालक, वो हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे, महीन महीन पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका। और इसी में क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा पनीर का डाल के इसको पीस देंगे, इसको भी महीन पेस्ट बना लेंगे साथ में। ये देखिए पालक का हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, क्रीमी क्रीमी सा हो गया है। हाँ जी दोस्तों, देखिए इधर हमने प्याज कट कर लिया है, हरी मिर्च कर दी है, अदरक इधर ले लिया है, लहसुन जो लिया था वो भी छोटे छोटे कट कर लिया है। इधर हमने टमाटर को पील कर लिया है, छिलका उतार लिया है उसका, उसको भी छोटे छोटे कट कर लेंगे। देखिए टमाटर को भी छोटे छोटे कट कर लिया है, इधर ले लिया है। ये देखिए दोस्तों, पालक हमने पीस लिया है पनीर के साथ, पनीर का 1 टुकड़ा डाल के जो पीसा था। देखिए कितना अच्छे से पेस्ट, अच्छा क्रीमी क्रीमी पेस्ट हो गया है, बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों। ले ली हमने कढ़ाई, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, 2 चम्मच तेल डालेंगे, डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ये लहसुन और अदरक जो हमने कट किया था वो भी इसमें डाल देंगे, भून लेंगे अच्छे से। जैसे इसका कलर चेंज होता है लहसुन का हमारे, तो हम इसमें मिर्चा डाल देंगे हरी, इसको भी हल्का चटकने देंगे। तो ये हमने ये जो प्याज कट किया था वो भी इसमें सारा डाल देंगे,
इसको भी गोल्डन ब्राउन तक हल्का हल्का सुनहरा होने को भूनना है। दोस्तों हमें ना टमाटर की प्यूरी बनानी है, ना प्याज का या ना हरी मिर्च लहसुन, किसी को पीस के पीसना नहीं है, पेस्ट किसी का नहीं बनाना है। बस महीन महीन चॉप कर लीजिए छोटा छोटा सा और इसको तेल में अच्छे से भून लीजिए। डालेंगे थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा डालेंगे नमक, इसी में डाल देना है। एक मिर्च हमने तोड़ ली है वो डाल देना है इसमें। लाल मिर्च आप डालना चाहें डालिए, जिस तरह से तीखा जैसा आपको पसंद हो, तीखा पसंद हो, हल्का तीखा पसंद हो। जरा सी डालेंगे लाल कश्मीरी मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, जरा सी। इसमें टमाटर हमने जो कट किए थे वो भी इसमें डाल देंगे। इधर डाल देंगे थोड़ी सी हींग, आप डालना चाहें डालिए। मैं साथ जितने भी खाने में ज्यादातर होता है तो मैं यूज करती हूँ हींग को, तो आपके स्वाद के अनुसार आप डालिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। बाकी इसमें थोड़ी सी सूखी भर हींग डालनी है हमें, खाने का स्वाद बढ़ जाता है इससे दोस्तों, और डाइजेशन में भी फायदा करती है हींग। हम लोगों को हींग है, जीरा है, सौंफ है, ये सब फायदेमंद चीजें हैं। इनको जहाँ तक हो सके सब्जी में अच्छे से डालिए। इसमें हमने दोस्तों धनिया पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि हम धनिया पाउडर की जरूरत नहीं है इसमें। हल्दी और नमक हल्का पड़ेगा बस, बाकी कश्मीरी मिर्च आप डालें ना डालें कोई दिक्कत नहीं है। हरी मिर्च से ही शौक है उसको, वैसे ही अच्छी लगेगी सब्जी। देखिए हमारा टमाटर प्याज और लहसुन अच्छे से भुन गया है। इसके भुनने के बाद हमको क्या करना है, इसमें पनीर कट किया था वो हम इसमें मसाले में डाल देंगे अपने। और इसको इसी मसाले में मिला लेंगे। पनीर को हमें फ्राई नहीं करना है, कच्चा पनीर मसाले में ऐसे मिला के इसको बस इसको ढक देना थोड़ी देर। जब अच्छे से मसाला कोट हो जाएगा पनीर में हमारे, तो ढक देना थोड़ी देर के लिए, एक से दो मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों पनीर हमारा कलर चेंज कर लिया है, मसाले में भूना है तो थोड़ा थोड़ा सुनहरा सुनहरा हो गया है। बस ऐसे ही हल्का सा भून लेना है, पनीर हमारा सॉफ्ट भी हो जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया एकदम, एकदम हाथ लगाते ही कट रहा है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो गया पनीर। मतलब पनीर हार्ड हो तो दोस्तों आप थोड़ा गुनगुने पानी में इसको सोक कर दीजिए। फ्रिज में अगर रखा हो तो, अगर घर का बनाया हुआ हाथ का हो तो, अगर हार्ड हो गया हो तो उसको थोड़ा गर्म पानी में सोक कर दीजिए थोड़ी देर, तो सॉफ्ट हो जाता है। इधर हमने मसाले में भून लिया है तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो गया है। पनीर हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, कलर चेंज हो गया है इसका पनीर का। देखिए देखिए बस इतने ही इसको भूनना है। इसमें हम पालक की प्यूरी डाल देंगे जो हमने पीसी थी। घर की हाथ घर की गार्डन की पालक की बात ही और होती है दोस्तों। घर का खाना हाथ का बना सबसे अच्छा, सबसे टेस्टी और हाई विंग की भी। जो हम लोग बाहर का खाना खाते हैं उससे अच्छा तो घर में आप थोड़ा बनाइए लेकिन प्रेम से खाइए। अभी पालक और डालनी है दोस्तों, थोड़ा सा पीसना है इसको। ये देखिए मैंने ग्राइंड किया है, अभी अच्छे से हुआ नहीं है, अभी और अच्छे से इसको ग्राइंड करना है। ये अच्छे से हमारा पीस गया, पेस्ट बन गया है, इसको भी बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह से सारा पीस के हम पनीर में
ये देखिए दोस्तों, ढाबा स्टाइल पालक पनीर घर पे ही बनाइए। इसमें कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि पानी डालिए, लेकिन हम जार में, मिक्सी के जार में जो हमारा लगा है ना पालक, उसको बस हिला के थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा आधा कप पानी डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, ज्यादा इसको रनी नहीं करेंगे, ऐसे ही अच्छा लगता है खाने में। रोटी पराठे पूरी आप किसी भी इसको एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने घी का तड़का लगा दिया है पालक पनीर में, और इधर पनीर से कर देंगे इसको गार्निश, ताकि हमारा पालक पनीर देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। आपको पता है दोस्तों, बच्चे जब भी खाते हैं, जब देखने में कोई सब्जी अच्छी लग रही, पनीर तो खैर बच्चों का फेवरेट होता ही है। तो प्लीज मेरी अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरा बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, ज्यादा दोस्तों इस तरह से बनाइए।